तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर वन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था वो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। इसे बनने में बहुत साल लग गए थे। होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वो जानने की कोशिश करते हैं और क्यों होता है वो भी देखते हैं, है ना। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फुटबॉल, अ गेम मैनी ऑफ यू प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। As the name suggests that this is a game that involves the player's feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. Each of these rules helps define the game and helps us distinguish one game from another. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. Like these games, a society has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kind of society. In large society, in such different communities of people live together, these rules are formulated through consensus. And in modern countries, this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a constitution. तो ये basically chapter जो start हुआ है, ये game से ही start कर दिया है ना, ताकि आप लोगों को easily समझ आ जाए। तो हम लोगों ने football खेला है, cricket खेला है, तो example football का ले लेते हैं। Football, cricket, volleyball, इन सब में एक set of rule है। Football में एक rule है कि आप लोग पैर से मार सकते हो और सिर्फ अगर कोई बॉल पकड़ सकता है तो वो गोलकीपर है ना। इस रूल को हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। क्रिकेट में अपना अलग रूल है, 20-20 ले लो, टेस्ट ले लो, ये सब अलग रूल है। तो ये रूल्स क्या करता है, क्रिकेट को क्रिकेट बनाता है, फुटबॉल को फुटबॉल बनाता है, एंड फुटबॉल और क्रिकेट दोनों को अलग गेम बनाता है। सो ऐसे ही अलग अलग सोसाइटी में आप देखोगे अलग अलग रूल्स होते हैं, है ना। सो ये सोसाइटी को अलग अलग डिस्टिंग्विश करता है, है ना। सो जो बहुत बड़ी सोसाइटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग उसमें लोग रह रहे होते हैं। कोई गुजराती होता है, कोई पंजाबी होता है, कोई अगर रिलीजन वाइज देखे तो हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, सिख होता है, क्रिश्चियन होता है ना। सो वहाँ पे भी सोसाइटी चलाने के लिए रूल तो होना चाहिए, और रूल को कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, थ्रू कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है जनरल मीटिंग। एक मीटिंग होनी चाहिए जहाँ पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीके के लोग हों, कोई क्रिश्चियन हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो। एक ऐसी अगर मीटिंग हुई और रूल बनाया गया तो शायद सोसाइटी बहुत स्मूथली चलेगी, है ना। सो एंड इन द मॉडर्न कंट्रीज दिस कॉन्सेंसस इज यूजली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। कंट्री में एक्चुअली क्या होता है, जो भी जनरल मीटिंग से जो रूल बनाते हैं ना, वो एक जगह लिख देते हैं, और वो रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यही तो हुआ था इंडिया में 1946 में। इंडिया जब आज़ाद होने वाला था तब इंडिया को बोला गया था, आप लोग अपना ही एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो इंडिया ने क्या किया, 3 साल मेहनत की, अलग अलग B.R. अम्बेडकर जो भी जानते होंगे, उन्होंने क्या किया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ़र किया, उन सबसे अच्छी बातें ली, है ना, उस चीज़ को लिख दिया, एंड हमारा एक डॉक्यूमेंट सेट ऑफ रूल्स का तैयार हुआ जिसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। सो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए वो हम लोग पढ़ेंगे। सो व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो जो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ये काम आएंगे। टुडे Most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. है ना। होता क्या है कि आजकल ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन सभी कंट्री में होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, बट याद रखिएगा, हर जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा वो सब डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन होता है बट फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है, राजा के पास होती है, है ना। तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। फर्स्ट, यहाँ से आप लोग नोट्स बनाना
चालू कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर में आप मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों होना चाहिए, है ना? तो क्वेश्चन लिख लो, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजंस एस्पायर टू लिव इन। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये बता देता है कैसी सोसाइटी में हम रहना चाहते हैं, हम सिटीजन मतलब कैसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, और वो एक सोसाइटी के नेचर को भी डिस्क्राइब कर देता है कि देखिए ये सोसाइटी डेमोक्रेटिक है या मोनार्की है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक मतलब फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी बता देता है। अ कंट्री इज यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल द इशू। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न। आप देखिए, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग जाति के, अलग रिलीजन के, है ना? सो अब हर एक का सोचने का तरीका अलग है, तो इसीलिए एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे सब लोग एग्री करते हो कि हाँ भैया चलो ये डॉक्यूमेंट है, इससे मैं सहमत करता हूँ, आप लोग मुझे ऐसा गवर्न कर सकते हो, है ना? हिंदू भी बोल सकते हैं, मुस्लिम भी बोल सकते हैं, सिख भी, क्रिश्चियन भी, की सही है ना? जैसे राइट टू इक्वालिटी दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, कहेंगे हाँ सभी लोग को इक्वल होना चाहिए, तो हिंदू भी मान गया, मुस्लिम भी मान गया, सिख भी मान गया, तो सब सहमत है ऐसे कंट्री में रहना। सो कॉन्स्टिट्यूशन के कारण क्या होता है, वो ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाता है, मतलब ऐसे सेट ऑफ रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं जिससे सभी लोग सहमत करते हैं, है ना? दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करता कि गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होना चाहता है, होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा रहता है कि आप गवर्नमेंट को कैसे बनाते हो, कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है ना? तो सब कुछ लिखा रहता है, साथ साथ में फंडामेंटल राइट्स, इसको कौन से राइट्स हैं सिटीजन को, राइट टू इक्वालिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th में, है ना? सो एक एग्जांपल देख लेते हैं, नेपाल का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की। नेपाल में राजा रूल करता था, है ना? मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा रूल करता है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। अब जो 1990 का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ऐसा था कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो किंग के पास है ना? फिर लोगों ने मतलब डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट किया, एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग। 2006 में वो लोग जब डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करते करते फाइनली 2006 एक ऐसा साल आया जिसमें उन लोगों ने राजा को हटा दिया फाइनल अथॉरिटी से, है ना? नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। द रीजन दैट दे डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री एंड दे वॉन्ट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। सो अभी वो लोग, जैसा कि मैंने आपको क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं जिससे सभी लोग मतलब सहमत होने चाहिए। अब 1990 का सिचुएशन ले ले, तो नेपाल में कैसा था, कॉन्स्टिट्यूशन था बट फाइनल अथॉरिटी किसके पास थी, किंग के पास थी, है ना? 2006 में उनको वैसा नहीं चाहिए था कि फाइनल अथॉरिटी किंग के पास, वो सहमत नहीं थे, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया एंड बाद में 2006 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल चेंज द गेम ऑल टूगेदर। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल इन ऑर्डर टू इंश्योर अ न्यू सोसाइटी। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। द कैप्शन अलॉन्ग साइड रिलेवर्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। अब
ऐसा तो नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक सेट ऑफ रूल हटा दिया तो मतलब पूरा सोसाइटी चेंज हो गया। अगर आपको सोसाइटी को चेंज करना है तो आपको फिर से अलग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना होगा, मतलब अलग सेट ऑफ रूल्स बनाने होंगे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस कि क्यों होता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो ये भी अंडरलाइन कर लेना। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि कैसे एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंट गाइडलाइन से डिसीजन बनाया जाता है। तो इसमें जो अंडरलाइन करने के लिए, पूरा अंडरलाइन मत कीजिएगा, इसमें सिर्फ ये भी अंडरलाइन कर लोगे तो चलेगा। फर्स्ट द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द सोसाइटी। कैसे वो सेट ऑफ रूल्स ऐसे बनाता है कि कैसे एक गवर्नमेंट को चलना चाहिए, है ना। सो ये पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाई द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द सोसाइटी। अब जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पस है, फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया था, है ना। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी बताता है ना, कि कैसी सोसाइटी है और मतलब लोग उस सोसाइटी में रहना चाहते हैं या नहीं, उस सेट ऑफ रूल से चलना चाहते हैं या नहीं, है ना। सेकेंड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस मतलब तैयार करता है कि कैसे एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, कैसे एक कंट्री गवर्न होनी चाहिए। जैसे इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। हाउ एवर देर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर्स माइट मिस यूज द अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। दिस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब देखो, सब जानते हैं कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कैसे चूज होता है, हम ही लोग इलेक्ट करते हैं। अब सपोज हम लोगों ने एक प्राइम मिनिस्टर चूज किया और प्राइम मिनिस्टर ने वो उसके पावर का गलत पावर यूज कर लिया, तो ये भी तो गलत है ना। एक एग्जाम्पल देते हैं, सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। बट व्हाट हैव डन व्हेन मिसेस राव रिटर्न टू द क्लास। मैम, व्हाइल यू वेर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास। वी वुड नॉट लिसन टू मी। ही वुड नॉट लिसन टू मी। अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टूडे एंड राइट आई विल नॉट डिस्टर्ब द क्लास मॉनिटर 100 times। बट मैम, आई डिड नॉट डू एनी थिंग। तो नॉर्मली ये सभी होता है ना। सुरेश एक क्लास मॉनिटर था जो कि बुली किया जाता था, नॉर्मली हर क्लास मॉनिटर ज़्यादातर बुली ही किया जाता है ना। बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब फेवरेट भी होते हैं क्लास में। इस एग्जाम्पल में क्लास मॉनिटर को बुली किया जाता था। अब जैसे ही मैम बाहर गई, उसको चांस मिल गया कि आज तो कौन मुझसे कौन बुली करता है या कौन टीज करता है उसका मैं नाम ले दूंगा। उसने अनिल का नाम ले दिया। बट अनिल उस क्लास में मस्ती कर रहा था, नहीं, बट उसको क्या हो गई, सजा मिली। ऐसे ही क्या होता है, लीडर जो हम सेलेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर लीडर अच्छा ही हो, कभी कभी वो भी अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। कभी कभी जो वो गवर्नमेंट बनाए ना, तो गवर्नमेंट भी मिसयूज कर सकती है। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल बनाता है जिसमें हम लोग अपने अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सो एक स्कूल है,
एक स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल ले लो, ठीक। यहाँ पे एक बच्चा पढ़ने जा रहा है, ये बच्चा एससी और एसटी है ना। ये बच्चा पढ़ने जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे जस्ट बिकॉज आप एससी और एसटी हो, अनटचेबल है ना। ये बच्चा क्या कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कभी भी ऐसा कुछ हो है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। इस बच्चे ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस स्कूल को सील कर देगा है ना, जस्ट बिकॉज इसने राइट टू इक्वालिटी जो होता है ना उसको वायोलेट किया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट टू इक्वालिटी करके एक आर्टिकल है जिसमें ये कहते हैं कि सारे लोग इंडिया के इक्वल हैं है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल बनाता है जिसमें हम लोग इवन गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट जा सकते हैं जब वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब वो पावर को मिसयूज कर रहे हैं तभी जाइएगा, वरना लोचा हो जाएगा। अभी ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल दिया है ना। सो डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज अ दलित। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन एंड से दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल से समझा दिया, उन्होंने बस ही कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा था उससे समझे। अब अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन अ डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर दैट डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावर पीपल और ग्रुप। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। नो विल प्ले क्रिकेट, लड़के कहते हैं। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर चेंज, लड़कियाँ कहती हैं। सो एक्चुअली क्या होता है, सपोज एक सोसाइटी होता है, एक कंट्री होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक ना एक तो मेजोरिटी रहेगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब सभी लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सो कोई ना कोई मेजोरिटी में रहता ही है। अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल देख लो तो हिंदू लोग मेजोरिटी में है ना। इस क्लास का एग्जाम्पल देख लो तो ये जो बॉयज़ हैं वो मेजोरिटी में है। वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज आर ऑल्सो हर्ड। टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद द शो ऑफ हैंड्स। हे वी वांट ऑब्वियसली देर आर मोर बॉयज इन द क्लास है ना। सो इसमें एक्चुअली क्या बताया गया है कि सिंपल सा स्टोरी है, बॉयज़ ज़्यादा होते हैं तो मेजोरिटी का फ़ायदा उठा लेते हैं है ना। तो ये गर्ल्स कह रही हैं कि मतलब हमें कुछ करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इस चीज़ से भी बचाता है, एक माइनॉरिटी को मेजोरिटी जो डोमिनेंट ग्रुप है उनसे प्रोटेक्ट करता है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। एज द अबव स्टोरी वुड इलस्ट्रेट एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। द टायरनी मतलब होता है रूल है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर द माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी है ना। तो हम लोग माइनॉरिटी को बहुत सारे रिजर्वेशन ये सब तो देते ही हैं है ना। दूसरा, अनदर रीजन वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाई द मेजोरिटी और अ माइनॉरिटी। दिस कैन रिफर टू कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर इज द सेम कम्युनिटी इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे रूल्स बनाते हैं जिससे मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट
नहीं कर सकता है, तो इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका अभी ही रिसेंटली एक एग्जाम्पल हुआ था, है ना। हिंदू लोग मेजोरिटी में, मुस्लिम लोग इतने मेजोरिटी में नहीं है इंडिया में, है ना। सो एक रिसेंटली एक इशू उठा था, सब जो लोग टीवी देखते हैं उनको पता होगा, है ना। इशू क्या था, एक लैंड पे राम मंदिर बनेगा या बाबरी मस्जिद। अब हिंदू लोग मेजोरिटी में है तो होना क्या चाहिए था, राम मंदिर को बनना चाहिए था, है ना, और इन लोगों का डिसीजन नहीं सुना जाना चाहिए था। बट सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो राम मंदिर तो बना ही, पर इन जो मुस्लिम लोग हैं उनको एक सेपरेट बहुत बड़ा लैंड दे दिया गया जिसपे वो लोग अपना मस्जिद भी बना सके। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आर सेल्फ। दिस में साउंड स्ट्रेंज बट वॉट इज मेंट बाई दिस इज दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। शबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। आई हैव टू चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट, बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टी वी प्रोग्राम। आई एम डाइंग टू वॉच इट, बट इफ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन। शबनम, वाई आर लुकिंग सो वरीड? I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have no idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. It's a good thing I did not watch TV. There were so many questions from the last two चैप्टर्स। सो फाइनली शबनम ने एक अच्छा डिसीजन लिया एंड उसने टीवी नहीं देखा, है ना। सो कभी कभी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, हम लोग अपना लीडर खुद चूज करते हैं। सपोज हम लोग से गलती हुई, हमने एक गलत लीडर चूज कर लिया, है ना। सो जो हमारा लीडर वन था वो गलत निकला और मेजॉरिटी ने जो लीडर चूज किया वो कंट्री को अच्छा रूल कर रहे हैं, है ना। हमारा लीडर क्या हुआ, हार गया। सेकेंड जो हमने लीडर पे भरोसा दिखाया वो भी लीडर हार गया, मेजॉरिटी ने जो चूज़ किया वो सही चूज़ किया, है ना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, रिसेंटली अगर हम लोग कांग्रेस चूज़ कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले लीडर हार जा रहे हैं, जो कंट्री बीजेपी वाले चूज़ कर रहे हैं तो वो जीत जा रही है, ऐसा, है ना। सो क्या हम लोगों ने जो लीडर चूज़ किया है वो हार जा रहा है तो हम लोग मतलब ये बोल दें कि इंडिया में मतलब ये गलत है कि हम लोग अपना लीडर को चूज करते हैं, इंडिया में एक किंग होना चाहिए जो डिसीजन ले, है ना, या तो एक डिक्टेटर होना चाहिए डिसीजन ले। हम लोग इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को मतलब चैलेंज करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है क्या कि मतलब जैसे सपोज मैंने कांग्रेस के लीडर को वोट दिया वो हार गया और दुनिया ने मतलब बीजेपी के लीडर को बना दिया तो मैं जाके रिवोल्ट करने लगूँ, ऐसा नहीं होता ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस विम्स टू चेंज दिस बेसिक स्ट्रक्चर। अगर सपोज मैं कह रहा हूँ कि किंग होना चाहिए या फिर डिक्टेटर होना चाहिए जस्ट बिकॉज मैं लीडर नहीं जीता, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा सॉरी ऐसा नहीं होगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि एक लीडर लोगों से इलेक्ट होके जाएगा जो कि मेजॉरिटी को पसंद है, है ना। आपके सिर्फ पसंद ना होने से ऐसा नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। तो इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको कभी कभी अपने आप से ही बचा लेता है। जो ये लीडर मेजॉरिटी से चूज होके आया, क्या पता इसने कुछ नेशन के लिए अच्छे डिसीजन ले लिए, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी हमको अपने से भी बचा लेता है। तो अभी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट रोल क्या है। सो फर्स्ट
इम्पोर्टेंट रोल था। यहाँ से देखेंगे कि इट टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आर सोसाइटी, कि कैसे जो लोग हैं वहाँ के किस सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे गवर्न होना चाहते हैं और कौन सी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे इसमें 1990 में लोग थे जो कि मतलब मोनार्की को अथॉरिटी दिए थे, बट 2006 में उनको ये अथॉरिटी देना पसंद नहीं आया, वो लोग भी डेमोक्रेटिक होना चाहते थे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि कंट्री का नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है ना, किस गाइडलाइन से एक कंट्री को चलना चाहिए। तो इसमें क्या है, कभी कभी जो पावरफुल लीडर्स होते हैं जो हम ही लोगों ने इलेक्ट किया है वो मिसयूज कर देंगे पावर को, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप अगर देखें कि लीडर मिसयूज कर रहे हैं आपके पावर को तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। दूसरा चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कहता है कि टेंशन मत लो, आप अगर माइनॉरिटी में हो तो भी आपको कोई रूल नहीं करेगा, है ना, आपका भी फायदा होगा जितना मेजोरिटी का होता है। थर्ड सिग्निफिकेंट मैंने अभी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी हमें अपने आप से बचाता है, कैसे, अपने स्ट्रक्चर को ना चेंज करके। सो ये बेसिक थे कुछ पॉइंट जो कि आपको लिखने थे।